माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था कि इसका अपने को समाधान निकालना जरूरी है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीके तो जैसे अभी कई सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने और डीडीए ने सारे तथ्य नहीं रखे। अब उनको ये समझ में आ गया कि मामला कितना संगीन है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, उससे उनको समझ में आ गया कि किस तरह से कितने बड़े स्तर के ऊपर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जैसा मैंने कहा कि अगर केंद्र सरकार और डीडीए चाहती तो कोर्ट के अंदर ही कह देती, विरोध करने की क्या जरूरत थी। कोर्ट के अंदर उन्होंने क्यों कहा डीडीए ने कि इलीगल जमीन है और एनक्रोचमेंट हटाई जाए। कोर्ट के अंदर डीडीए ने और केंद्र सरकार ने और एलजी साहब ने मिलकर इसका विरोध क्यों किया पिटीशन का। जब वो लोग गए थे कोर्ट में, उनको सीधे सीधे कह देते हाँ जी हम भी तैयार हैं और ये भी तैयार हैं। दोनों अगर पक्ष कह देते तो कोर्ट जजमेंट दे देता इनके पक्ष में। लेकिन अब जब इनको समझ में आ गया है, अभी दो तरीके हैं। एक तो ये कि कोर्ट में जाके रिव्यू पिटीशन या जो भी पिटीशन, वो तो वकील बताएंगे जो भी डाल के, और कोर्ट को सारे तथ्य रखे जाए और कहा जाए जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखते हुए और लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ये जमीन रविदास समाज को देने के लिए तैयार है। अगर ये ऑप्शन है इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और इसको ट्राई किया जा सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो मेरी समझ में ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए केंद्र सरकार को तुरंत, और ऑर्डिनेंस जैसा भी जो प्रस्ताव रखा गया है ऑर्डिनेंस पास करके ये 4-5 एकड़ जमीन तुरंत रविदास समाज को दे दी जाए। और जो अभी मैं सुन रहा था सभी सदस्यों का, ये भावना है सभी सदस्यों साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।